नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूं सफ़र हुसैन और आप देख रहे हैं एसआर हुसैन नॉलेज। हजरात, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्यारी जानकारी बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि शैतान की कौन कौन सी 6 कमजोरियां हैं। जी हजरात, यानी कि शैतान किन 6 बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो चलते हैं हजरात वीडियो की तरफ। लेकिन कुछ जानने और सुनने से पहले आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो चलते हैं हजरात वीडियो की तरफ। एक मरतबा शैतान ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोला कि आपकी उम्मती के 6 कामों से मैं बहुत परेशान हूँ। जी हजरात, तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से 6 काम है जिसे शैतान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। पहला, जब कोई मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं और सलाम करते हैं तो शैतान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जी हजरात, और दूसरा, जब कोई इंसान मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद आपस में मुसाफा करते हैं, यानी कि हाथ मिलाते हैं, तो शैतान उस वक्त भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तीसरा, जब कोई इंसान किसी काम करने का इरादा करता है और काम करने से पहले ही इंशाअल्लाह कहता है, यानी कि किसी भी काम करने से पहले वो इंशाअल्लाह बोलता है, तो शैतान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जी हजरात, और चौथा, जब किसी इंसान से कोई गुनाह हो जाता है और गुनाह होने के फौरन बाद वो तौबा कर लेता है, तो इस पर भी शैतान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और पांचवा, जब कोई इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनता है तो फौरन उसके बाद दुरुस्ती पढ़ लेता है, इस पर भी शैतान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और छठा, यानी कि आखिरी, जब कोई इंसान किसी काम को करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेता है, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, तो उस पर भी शैतान बहुत ज़्यादा नादिम होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो हजरात, ये थे वो 6 काम जिससे शैतान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। हजरात, वैसे तो हम हमेशा गुनाहों में डूबे रहते हैं, लेकिन हजरात ये 6 ऐसे काम हैं जो बहुत ही प्यारे काम हैं, लेकिन शैतान इससे बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। तो हजरात, हमें चाहिए कि हम 6 काम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करें। और हजरात, इस वीडियो को आप शेयर करके इस काम को बढ़ा सकते हैं, यानी कि हर मुसलमान तक ये बात पहुंचा सकते हैं। तो हजरात, आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर मुसलमान भाई और बहन इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके और इन 6 कामों को बराबर कर सके, ताकि शैतान की कमजोरी और बढ़ते रहे और वह जलता रहे, बनता रहे। अल्लाह पाक उसको हलाक करे। आमीन या रब्बल आलमीन। तब तक लिए हजरात, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में।